कोरोना में ये महामारी आई, भारत के वैज्ञानिकों ने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाया, उन्हें भारत के वैक्सीन पर भरोसा नहीं, उनको भारत के वैक्सीन पर भरोसा नहीं, विदेशी वैक्सीन पर भरोसा, ये इनकी सोच रही। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के कोटि कोटि नागरिकों ने भारत के वैक्सीन पर विश्वास जताया, इनको भारत के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है, इनको भारत के लोगों पर विश्वास नहीं है। लेकिन इस सदन को मैं बताना चाहता हूं, इस देश का भी, भारत के लोगों का कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है। कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है भारत के लोगों में। कांग्रेस अपने घमंड से इतनी चूर हो गई है, इतनी भर गई है कि उसको जमीन दिखाई तक देती नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के कई हिस्सों में कांग्रेस को जीत दर्ज करने में अनेक दशक लग गए हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस की आखिरी बार 1962 में जीत हुई थी। 61 वर्षों से तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस, तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस, पश्चिम बंगाल में उन्हें आखिरी बार जीत 1972 में मिली थी, पश्चिम बंगाल के लोग 51 सालों से कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस, उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात कांग्रेस आखिरी 1985 में जीती थी। पिछले 38 वर्षों से वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है, वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है, त्रिपुरा में उन्हें आखिरी बार 1988 में जीत मिली थी। 35 वर्षों से त्रिपुरा के लोग कांग्रेस को कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। ओडिशा में कांग्रेस को आखिरी बार 1995 में जीत नसीब हुई थी, यानी ओडिशा में भी 28 वर्षों से कांग्रेस को एक ही जवाब दे रहा है। उड़ीसा कह रहा है नो कॉन्फिडेंस, कांग्रेस। माननीय प्रधानमंत्री जी, नागालैंड में प्लीज सभा की अनुमति हो तो सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ाई जाती है। माननीय सदस्यगण, मैंने पहले भी आग्रह किया था कि नारेबाजी नहीं करेंगे, और आप सबने सहमति दी थी नारेबाजी नहीं करेंगे, न इधर से करेंगे न उधर से करेंगे, नहीं करेंगे दोनों तरफ से नारेबाजी, नो, इधर से भी नहीं करेंगे उधर से भी नारेबाजी, प्लीज। आपने खुद ने व्यवस्था दी थी नारेबाजी नहीं करेंगे सदन में, नहीं करने किधर से भी नहीं करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, नागालैंड में कांग्रेस की आखिरी जीत 1988 में हुई थी। यहां के लोग भी 25 वर्षों से कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। दिल्ली
आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तो एक भी विधायक खाते में नहीं है। जनता ने कांग्रेस के प्रति बार बार नो कॉन्फिडेंस घोषित किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस मौके पर ये आपके काम की बात बताता हूं, आपके काम की बात बताता हूं, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं। आप थक जाएंगे, आप लोग थक जाएंगे, मैं आपकी भलाई की बात बताता हूं। मैं आज इस मौके पर हमारे विपक्ष के साथियों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। लोकतांत्रिक व्यवहार के मुताबिक मुझे तभी आपको सहानुभूति जरूर व्यक्त करनी चाहिए थी, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन देरी में मेरा कसूर नहीं है, देरी में मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का, आप जश्न मना रहे थे फेल मशीन पर नया पेंट लगाने का। दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाने के लिए आपने इतना बड़ा मजमा लगाया था। और मजेदार ये कि मजमा खत्म होने से पहले ही उसका क्रेडिट लेने के लिए आप में सिर फुटबॉल शुरू हो गई। मैं हैरान था कि ये गठबंधन लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं, आप जिसके पीछे चल रहे हो, आप जिसके पीछे चल रहे हो, उसको तो इस देश की जवान, इस देश की संस्कार की समझ ही नहीं बची है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग लाल मिर्च और हरी मिर्च का फर्क नहीं समझ पाए। लेकिन आप में से कई साथियों को मैं जानता हूं, आप सबको भारतीय मानस को जानने वाले लोग, आप लोग भारत के मिजाज को पहचानने वाले लोग हैं। वेश बदलकर धोखा देने की कोशिश करने वालों की हकीकत सामने आ ही जाती है। जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, उन्हीं के लिए कहा गया है, दूर युद्ध से भागते, दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर, दूर
युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर। भाग्यचंद की आज तक सोई है तकदीर। भाग्यचंद की आज तक सोई है तकदीर। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी मुसीबत ऐसी है कि खुद को जिंदा रखने के लिए इनको एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। लेकिन आदत के मुताबिक घमंड का जो आई है ना आई, वो उनको छोड़ता नहीं है। और इसलिए एनडीए में दो आई पिरो दिए, दो घमंड के आई पिरो दिए। पहला आई 26 दलों का घमंड और दूसरा आई एक परिवार का घमंड। एनडीए भी चुरा लिया कुछ बचने के लिए और इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जरा हमारे डीएमके के भाई सुन ले, जरा कांग्रेस के लोग भी सुन ले। अध्यक्ष महोदय, यूपीए को लगता है कि देश के नाम का इस्तेमाल करके अपनी विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी दल, कांग्रेस के अटूट साथी तमिलनाडु सरकार में एक मंत्री दो दिन पहले ही ये कहा है, तमिलनाडु सरकार के एक मंत्री ने कहा है, इंडिया उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, इंडिया उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उनके मुताबिक तमिलनाडु तो भारत में है ही नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, तमिलनाडु वो प्रदेश है जहां हमेशा देशभक्ति की धाराएं निकली है। तमिलनाडु वो प्रदेश है जहां हमेशा देशभक्ति की धाराएं निकली है। जिस राज्य ने हमें राजा जी दिए, जिस राज्य ने हमें कामराज दिए, जिस राज्य ने हमें एमजीआर दिए, जिस राज्य ने हमें अब्दुल कलाम दिए, आज उस तमिलनाडु से स्वर सुनाई दे रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब आपके अलायंस अंदर ही अंदर ऐसे लोग हो जो अपने देश के अस्तित्व को नकारते हो, तो आपकी गाड़ी कहां जाकर के रुकेगी? जरा आत्मचिंतन करने का मौका मिले और आत्मा बचा हो तो जरूर करिएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, नाम को लेकर उनका एक चश्मा आज का नहीं है। नाम को लेकर ये जो मोह है ना, वो उनका आज का नहीं है, ये दशों को पुराना चश्मा है। इन्हें लगता है कि नाम बदलकर देश पर राज कर लेंगे, गरीब को चारों तरफ उनका नाम तो नजर आता है लेकिन उनका काम कहीं नजर नहीं आता।
अस्पतालों में नाम उनके हैं, इलाज नहीं है। शैक्षणिक संस्थाएं नाम लटक रहे हैं, सड़कों हो पार्क हो उनका नाम, गरीब कल्याण की योजनाओं पर उनका नाम, खेल पुरस्कारों पर उनका नाम, एयरपोर्ट पर उनका नाम, म्यूजियम पर उनका नाम। अपने नाम से योजनाएं चलाई और फिर उन योजनाओं में हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार किए। समाज के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति काम होते देखना चाहता था, लेकिन उसे मिला क्या? सिर्फ परिवार का नाम। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की पहचान से जुड़ी कोई चीज उनकी अपनी नहीं है, कोई चीज उनकी अपनी नहीं। चुनाव चिन्ह से लेकर विचारों तक सब कुछ कांग्रेस अपना होने का दावा करती है, वो किसी और से लिया हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्लीज माननीय सदस्य प्लीज सीट पे जाइए। अपनी कमियों को ढकने के लिए चुनाव चिन्ह और विचारों को भी चुरा लिया, फिर भी जो बदलाव हुए हैं उसमें पार्टी का घमंड ही दिखता है, ये भी दिखता है कि 2014 से वो किस तरह डिनायल के मोड में है। पार्टी के संस्थापक कौन? एओ ह्यूम एक विदेशी थे जिन्होंने पार्टी बनाई। आप जानते हैं 1920 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा मिली, 1920 में एक नया ध्वज मिला और देश ने उस ध्वज को अपना लिया, तो रातों रात कांग्रेस ने उस ध्वज की ताकत देख करके उसे भी छीन लिया और प्रतीक को देखा कि ये गाड़ी चलाने के लिए ठीक रहेगा। 1920 से खेल चल रहा है और उनको लगा कि तिरंगा झंडा देखेंगे तो लोग देखेंगे उनकी बात हो रही है, ये उन्होंने खेल किया। वोटरों को बुलाने के लिए गांधी नाम भी हर बार वो भी चुरा लिया। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह देखिए, दो बैल गाय बछड़ा और फिर हाथ का पंजा, ये सारे उनके कारनामे, उनकी हर प्रकार की मनोवृत्ति का प्रतिबिंब करता है, उसको प्रकट करते हैं और ये साफ दिखाता है कि सब कुछ एक परिवार के हाथों में सब केंद्रित हो चुका है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक गमंडिया गठबंधन है।